चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है। इसमें अक्षर उसमें अक्षर, अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जय साक्षरता। जय साक्षरता। अक्षरों की इस दुनिया में हर नए नागरिक का हार्दिक स्वागत है। खेल में, हेल मेल में और मन में पूरी खुशी लेकर आए हैं हमारे सारे मेहमान। इन्हें देना है इम्तिहान अपने ज्ञान का, अपने अक्षरों के ज्ञान का, और लेना है अपने साथियों का इम्तिहान। और यही बनती है कहानी हार और जीत की। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आया हुआ हर एक मेहमान अपनी जिंदगी में एक जीता हुआ इंसान है, क्योंकि इन्होंने अक्षरों का हथियार बनाकर अपनी जिंदगी में लड़ाई जीती है और अपने जीवन को बदला है। इसी बदलाव का जश्न है ये अक्षर मेला। अपना खेल शुरू करने से पहले मैं आपसे मिलवा दूं हमारी जो टीमें आई हुई हैं। तीनों टीमें दिल्ली की हैं। ये है केंद्रीय दिल्ली की टीम, ये है दक्षिण दिल्ली की टीम, और ये है दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की टीम। आइए चल के मिलते हैं केंद्रीय दिल्ली की टीम से। पहले आप इनके स्वयंसेवक हैं। आपका नाम? मोहम्मद शहवान। आपने क्या सोच के इनको पढ़ाया? सोचा कि ये भी हमारी तरफ पढ़ लिख जाए तो अच्छी है, या अनपढ़ ना रहे। बिल्कुल सही समझते हैं। और इनके साथ हैं दीपू और हुसैन, और ये हैं कासिम और वाहिद। मैंने सही कहा? इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और ये है हमारी दक्षिण दिल्ली की टीम, और इनकी स्वयंसेवक हैं आसमा। और आपने क्या सोच के इन लोगों को पढ़ाया? हमें दिल में बहुत खुशी था कि हम पढ़ाएंगे, लोग पहले से सोच रहे थे। लेकिन ऐसी क्या बात हुई, क्या देखा आपने? हम सिलाई सिल रहे थे, तो सिलाई में औरते आ रही थी तो अनपढ़ आ रही थी, तो कोई कह देता था कि मेरा ज्यादा कपड़ा है, मेरा कम कपड़ा है, तो हम लोग को नाप नाप के दिखाते थे। कोई कपड़ा नाप के दिखा रहे तो करे कि हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कम भी दिखाओगी तो ठीक है, ज्यादा भी कपड़ा दिखाओगी तो ठीक है। आपको बुरा लगता था? तो बुरा लगता था। तो हम कहे कि इन लोग को बता देंगे, पढ़ जाएंगे तो हमें ऐसे नहीं कहेंगे। अच्छा। और आसमा के साथ आई है उर्मिला और जरीना, और ये हैं उर्मिला और जुनैद। इनके लिए तालियां। और ये हमारी दक्षिण पश्चिमी टीम है दिल्ली की, और इनकी स्वयंसेवक हैं माधुरी। माधुरी है आपके जहाँ आप रहती हैं, आपके मोहल्ले में सब औरतें पढ़ी लिखी हैं? सब मर्द पढ़े लिखे नहीं, सब पढ़े लिखे नहीं थे, अब हैं। और अगर कोई नहीं भेजता अपने बच्चे को स्कूल तो आप उसको डांटती हैं? नहीं, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि अब सब पढ़ लिखे, उन्हें महत्व पता लग गया पढ़ाई का। अच्छा। माधुरी के साथ आए हैं मगना और रूबी, और हैं कुसुम और रंजीत। ठीक है, ये तो हमारी तीनों टीमें हो गई, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। चलिए, हमारी तीनों टीमों से हो गई मुलाकात। अब पहले हम जाके खेलेंगे अपना सबसे पहला खेल, जिसका नाम है खोजबीन। पहले केंद्रीय दिल्ली की टीम खेलेगी ये खेल। मुझे दो खिलाड़ी आपकी टीम में से चाहिए होंगे। यहाँ पर हम आपको एक शब्दों का जाल दिखाएंगे। क्या है इन शब्दों में? इस जाल में आपको शब्द ढूंढने होंगे। एक जना शब्द पहचानेगा, एक जना शब्द लिखेगा। इस खिड़की को हम खोलेंगे, यहाँ पर एक तरफ खूब सारे हमने अक्षर लिखे हुए हैं, आपको उन अक्षर से शब्द बनाने होंगे। ठीक है, तो रहबान आप मुझे बताएं कि आपकी केंद्र दिल्ली की टीम से कौन दो जने आएंगे, एक पहचानेगा एक लिखेगा? ये पहचानेगा और हुसैन लिखेगा। दीपू आप पहचानेंगे और हुसैन आप लिखेंगे। आपको पहचानने हैं बर्तन के नाम। ठीक है, और आपका समय शुरू होता है अब। थाली। थाली। चम्मच। चम्मच। गिलास। गिलास। चलो एक और है, दूध में से मलाई निकालनी। मलाई है क्या होता? चम्मच नहीं, दूध में से मलाई निकालते हैं तो क्या इस्तेमाल होती है? छलनी। छलनी, चलिए ठीक है, छलनी। चलिए आप जाके बैठ जाइए दीपू, और हम देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है।
थाली हो गई, गिलास हो गया, चलिए आपके पास है वह, आप लिखिए। चलिए चम्मच, उन्होंने चम्मच भी बोल दिया था, चलिए जल्दी जल्दी करिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये नहीं ये कहाँ रह गया, चलिए चलिए वक्त है आपके पास। नहीं नहीं उधर ही कहाँ कहाँ, चलिए लगा दीजिए लगा दीजिए। चलिए 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 आपका समय खत्म हो गया। इन्होंने चारों वहां बर्तन के नाम पहचाने और इन्होंने थाली गिलास छलनी होना चाहिए लेकिन हम इतना माफ कर सकते हैं, और यह है चम्मच। तो चारों सही हो गए इधर और चारों सही हो गए उधर, तो हम इन्हें 80 अंक दे देते हैं। चलिए आसमा आप मुझे बताइए कि आपकी टीम में से कौन पहचानेगा कौन लिखेगा। उर्मिला पहचानेगी और आपको मेवे के नाम पहचानने हैं। अब आपका समय शुरू हो गया। मेवे के नाम देखिए आप बोलो। काजू काजू हाँ हाँ जी। अंजीर अंजीर अंजीर, जोर से बोलो उर्मिला। बाला बादाम बादाम, बादाम बोला। किशमिश किशमिश, ओके चलो किशमिश भी हो गया। सारी पीछे से आवाज आई लेकिन चलो चलता है, आप जाके बैठो उर्मिला। चलो जल्दी जल्दी इधर लिखिए, आपके पास समय है अभी 30 सेकंड बाकी हैं, आप जाके बैठ जाओ जरीना, ये खत्म कर देंगे। चलो शाबाश जल्दी जल्दी। काजू बोला, अंजीर बोला, बादाम बोला और किशमिश भी बोली, सारे बोल दिए इन्होंने मेवे के नाम। चलिए चलो चलो जल्दी करो। किशमिश किशमिश और एक और बादाम, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। बादाम बादाम करो जल्दी 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 जल्दी। चलो बस 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 समय खत्म हो गया। चलो चलो काजू है, अंजीर है, किशमिश है, बाद है लेकिन हम इन्हें इतना दे देते हैं। बादाम तो इतना ये नहीं कि नहीं मालूम था, थोड़ा वक्त कम पड़ गया था भागने में। ठीक है तो चार वहां सही चार यहां सही, इन्हें हम पूरे 80 अंक दे देंगे। चलिए चलिए अब हम माधुरी की टीम से पूछते हैं कि कौन पहचानेगा कौन लिखेगा। पहचानेंगी कुसुम जी और लिखेंगी रूबी जी। अच्छा आप पहचानेंगी और आप लिखेंगी। अच्छा आप पहले मेरे को बताइए कुसुम जी कि आप क्यों पढ़ाई करती हैं इस उम्र में। मैं इसीलिए पढ़ाई करती हूँ कि जैसे बाजार में जाते हैं कोई चीज़ों का पता नहीं पड़ता, और एक मेरे पति बाहर काम करते थे, वो चिट्ठी वगैरह मेरे पास देते लेकिन मैं किससे पढ़वाती चिट्ठियाँ, वो सारी चिट्ठियाँ बंद करके मैं अपने पास रख लेती, जब वो छुट्टी आते तो उन्हीं से पढ़वाती और खुश होती थी बहुत ज़्यादा। तो आपको बुरा लगता? हाँ जी, लेकिन फिर दिल्ली में आ गए इधर हम, मेरी सास भी अनपढ़ थी और वो साथ में मेरे को भेजा भी नहीं करती थी, ऐसे सेंटर वगैरह बहुत खुले हुए थे वहाँ पे, लेकिन वो भेजती नहीं, मैं छुप छुप के जाती उससे, फिर मैं पढ़ती थी वहाँ पे, फिर मेरा आदमी बहुत खुश होता था कि चलो पढ़ लेगी कुछ तो वो करेगी, तो फिर मैं अपनी सास को बताई तो अब मेरी सास भी मेरे साथ पढ़ने लगी है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप जाओ और जाके वहाँ के खुशी लो और आप मेरे साथ आइए और हम आपको आपको पहचानने हैं अंक के नाम। ये रहिए आप अंक पहचानिए, आपका समय शुरू हो गया। 20 12 40 40 8 60 60 इन्होंने सारे चारों बोल दिए। चलिए कुसुम आप बैठ जाइए और यहाँ देखते हैं कितनी जल्दी ये लोग लिख सकते हैं। चलिए चारों बोल दिए उन्होंने अंक के नाम, अब आप लिख लीजिए, थोड़ा ढंग में लिखेंगे, मैं ऐसा करके पढ़ना पड़ेगा मुझे। चलिए उन्होंने 40 बोला, 20 बोला, 60 बोला, 12 बोला। चलिए आपके पास बहुत समय है, आप बड़े आराम से बना सकती हैं। 20 12 60 40 40 चलिए चलिए 40 40 अरे बहुत समय है अभी भी। 40 कुछ रह गया यहाँ पर, कुछ रह गया यहाँ पर मगना, कुछ रह गया इधर, देखा आपने, हाँ 40 यहाँ रह गया। चलिए इनके 5 सेकंड बचते हैं लेकिन इन्होंने सारा बोल दिया, उधर चार पहचान लिए इधर चार, 20 12 60 40 चारों लिख दिए।
चलिए ये तो बड़े मजे में ये खेल लिया हम लोगों ने ये वाला खेल। अब इसमें हो गया हमारा हिसाब किताब, इतना पास का हिसाब किताब है क्योंकि आप तीनों ने 80 नंबर 80 अंक पाए हैं इस खेल में। अब हमें जो खेल खेलना है वो हिसाब का ही खेल खेलना है जिसका नाम है बही खाता। मैं पहले आके खेलूंगी दक्षिण पश्चिम दिल्ली की टीम के साथ, थोड़ा इस तरफ जाएंगे फिर थोड़ा ऐसे आएंगे वापस, ठीक है? अब इधर से क्या करना है, एक जने को जाकर उधर गणित के कुछ सवाल हैं उनके जवाब लिखने हैं, तो आपकी टीम में जो गणित में थोड़ा मजबूत हो उसको भेजिएगा। रंजीत, रंजीत आप गणित में मजबूत हैं, आप जाइए और वहां पर खिड़की खोलिए और अपने गणित के सवाल शुरू कीजिएगा। पहला सवाल आपका, 17 जमा 19 बने 36, 42 घटा 14 बने 28, 9 गुणा 9 बने 81, 56 भाग 8 बने 7। अरे वाह भाई, अब मैं जाती हूँ क्योंकि उन्होंने चारों हल कर दिए हैं, अब देखते हैं कितना सही है। ये हो गया इनका 36, ये हो गया इनका 28, ये हो गया इनका 81 और ये हो गया इनका 7। बहुत अच्छे, सारे सही कर दिए तुमने। अब चलते हैं हम दक्षिण दिल्ली की टीम के पास और आसमा से पूछते हैं कि यहाँ से कौन जाएगा गणित के सवाल करने। जरीना, जरीना आप जाएंगी, ठीक है? बहुत समय है, आराम से आप अपने सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ से आपके सारे साथी आवाज लगा लगा के आपको हल देंगे, ठीक है? चलिए यहाँ से जोर जोर से ना उनको जवाब दे देना। चलो भाई, पहला आपका सवाल है, आपका वक्त शुरू हो गया अब। 31 जमा 18 बने 49, 49 चलो 49 लिख लो, 49 15, 91 घटा 4 बने 91 घटा 4 जाओ, आपको बदलना है तो आप जाओ, जिसको बदलना है जाओ जल्दी। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि चारों खेल होने तक, चलिए शुरू कीजिए, चारों खेल खत्म होने तक चारों लोग जाके खेलने एक बार आ जाओ, वापस आ जाओ जरीना। तीसरा है 10 गुना 6 बने और 72 भाग 3 बने, 72 भाग 3 हो, चलिए 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 जुनैद आपका समय खत्म हो गया, आपका ये गलत है क्योंकि सवाल का जवाब है 87 और तीसरे सवाल का जवाब सही है ये 60 है और चौथे सवाल का जवाब भी गलत है क्योंकि ये 24 होना चाहिए, सिर्फ 4 रह गया वहां पर, तो इनके दो, 4 में से 2 सही हैं, इनके हुए 20 अंक इसमें। चलिए अब केंद्रीय दिल्ली की टीम से कौन आएगा? मोहित, आपका समय, खोली पूरी खिड़की खोली पहले, चलिए आप तैयार हैं और आपका समय शुरू होता है अब। 70, 43 जमा 27 बने 70 इन्होंने कहा, 38 घटा 29 बने 9, चलिए 7 गुना 9 बने 63 और आखिरी है आपका 63, 75 भाग 3 बने 25, चलिए इनके चारों हो गए। आप वहीं रहिए भाई, आप पास कर रहिए, हम पहले देखें आपके कितने सही हैं, आप आइए इधर आइए। चलिए इनका हो गया 70, 9, 63 और 25, इनके चारों सही हुए। चलिए जी हमारा बही खाता का खेल भी खत्म, हमारा दोनों खेल खत्म और अब देखते हैं हिसाब क्या है हमारी तीनों टीमों का। केंद्रीय जिला है 120 अंक पर, दक्षिणी जिला है 100 अंक पर और दक्षिणी पश्चिमी जिला है 120 अंक पर। कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा तन नन ना 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 तन नन ना। पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो पढ़े विचार,
पाया ज्ञान से ना धन दूजा करती दुनिया ज्ञान की पूजा शिक्षा है अनमोल रतन पढ़ने का सब करो जतन ये कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले खेले शिक्षा का उजियारा कहीं समय का एक तारा पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है पढ़ें और पढ़ाएं जीवन में खुशियां फैलाएं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अक्षर का ये मेला है और बाकी खेल हमें खेलना है हम जो अब राउंड खेलेंगे उसका नाम है देखी सुनी बहुत आसान सा राउंड है आपको देखना है आपको सुनना है और उसके भीतर जो सवाल हैं उनके जवाब देने हैं ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा आप सब मिलके जवाब दे सकते हैं या एक जना दे सकता है पहला सवाल है केंद्रीय दिल्ली की टीम के लिए और आप ये देखिए और मुझे बताइए कि ये गाना किस पिक्चर का है जोर से राजा हिंदुस्तानी बिल्कुल सही राजा हिंदुस्तानी अच्छा ये सवाल आप लोगों के लिए है हाँ डीपीटी का टीका काली खांसी और गलघोटू के अलावा किस बीमारी से बचाता है किससे टिटनस हाँ बिल्कुल सही कहा टिटनस से चलिए अब आप मुझे यहाँ बताइए कि कुतुब मीनार से तीन गुना ऊंची इस इमारत को इसे देखिए पहचानिए और बताइए इसका नाम क्या है ये दिल्ली में ही है टीवी टावर है पता है कहाँ का टीवी टावर है प्रीतमपुरा हाँ प्रीतमपुरा प्रीतमपुरा का टीवी टावर है चलिए अच्छा ठीक है मैं ये अगला सवाल यहाँ से करूंगी फिर बाकी इनसे करूंगी चलिए अच्छा अब ये देखिए तस्वीर और बताइए कि ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री को पहचानिए ये कौन है राजीव गांधी बिल्कुल सही कहा राजीव गांधी हालांकि ये पूर्व भारत की पगड़ी पहने हुए हैं फिर भी आपने पहचान लिया चलिए अब आप मुझे बताइए जी इस टीम में कि आप ये तस्वीर देखिए ये समाधि गांधी जी की है इस जगह को किस नाम से जाना जाता है राजघाट हाँ राजघाट बिल्कुल सही जुनैद राजघाट चलिए आप मुझे बताइए ये तस्वीर देखकर ये कौन खिलाड़ी है मोहम्मद अजहरुद्दीन बिल्कुल सही मोहम्मद अजहरुद्दीन ये टीम बहुत क्रिकेट की शौकीन है सारों को मालूम था कि कौन है चलिए हमारा ये खेल भी खत्म हो गया देखिए केंद्रीय जिला के 140 अंक दक्षिणी जिला के 120 अंक और दक्षिणी पश्चिमी जिला के 140 अंक बस आपके 20 अंक कम है नहीं तो तीनों टीमों बहुत पास पास हैं और ये खेल से आप लोगों का निश्चय होगा कि कौन आज का विजेता है ठीक है अब हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम है 12 खड़ी हमें क्या करना है हम आपको एक शब्द देंगे उस शब्द के अंदर जो अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों में से आपको दूसरे शब्द बनाने हैं जितने शब्द आप बनाएंगे उसके अक्षर और मात्राओं को इस्तेमाल करके उतने अंक आपको मिलेंगे ठीक है तो पहले केंद्रीय दिल्ली की टीम इधर से कौन आएगा एक जना लिखेगा बाकी सब यहां से आवाज लगा सकते हैं दीपू आप जाइए वो कलम उठाइए वहां से आपका शब्द है राजधानी और आपका समय शुरू होता है अब राज राज रानी रानी राजा राजा रजनी राधा नीर जरा जानी जान नाज धान ये गलत है जीना जीना रीना जोर से बोलो धान धारा धरती धनी 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 बस 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 कलम छोड़ दीजिए चलिए आप इधर ही रहिए दीपू इधर आइए
राजा, रजनी, राधा, ये मीर गलत है। धन, जानी, जान, जीना, जीना पहले हुआ नहीं, और ये रीना, धान, धारा, और ये धनी। चलिए ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 इनके शब्द सही हैं, 130 अंक इनको मिलते हैं। आप इसको बताइए। चलिए आसमा, आप मुझे बताइए आपकी टीम से कौन जाएगा बारह खड़ी खेलने? लिखने जाएगा जुनैद। जुनैद आप जाएंगे? चलिए आप जाइए, हाँ कलम उठाइए और आपका शब्द भी आएगा, उसको पढ़ के फिर मैं आपका वक्त शुरू करूंगी। और आपका शब्द है नाबालिग। नाली, नाला। बड़ा बड़ा लिखो। बालिग। सुना, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, बड़ा बड़ा लिखो, बड़े बड़े अक्षर। नली, नली, नाली, नाली, नाला, नाला। आप बोलो। नल। चलो बोलो। नल। बल। बली, बली। कल। क्या? कल। कल। कल गलत है, कल नहीं है। नग। नग। नब। नब। चलिए वक्त खत्म हो गया आपका। चलो लाओ अब देखते हैं क्या, कितना छोटा छोटा लिखा तुमने जुनैद। अब इधर आ खड़े हो जाओ। नाली सही है, नाला सही है, नाला सही है। 1, 2 नली, 3 नाली, 4 नाला। ये फिर से हो गया, दो बार हो गया। नल सही है, ये बल। बल सही है, बाग सही है, बली सही है, गली सही है, नग सही है, गाना, गाना सही, हाँ गाना भी सही है, और ये नब, नब नहीं होता कुछ। तो हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 10 सही है आपके, इसका मतलब 100 अंक आपके पूरे हो गए। जुनैद आप मैसेज को मिटा दीजिए। चलिए बहुत अच्छे। चलिए आप इधर मुझे बताइए कि आपकी टीम से कौन जाएगा? मगना। आपका शब्द है बाजीगर और आपका समय शुरू हो गया अब। बाजीगर। गर। गरीब। करीब। गरीब। गरीब। गिरा। गिरा। जिगर। जिगर। लिखा, लिखा जिगर उसने। बाग। गर। बाग। 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 राजी। 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 बाजार। अरे वाह, बाजार दो गए। राजी। गजीब। गजीब, ये कह रहे हैं गजीब। गजीब। गज। गज। राजी। राजी। राजा। राजा। राग। राग। चलिए जीरो हो गया आपका। चलिए वक्त खत्म हो गया आपका, बहुत अच्छे। चलिए आप मेरे साथ यहाँ खड़े होइए। बाजी सही, गर सही, जीरा सही, जिगर सही, जीरा दोबारा हो गया तो उसे हम काट देते हैं। गिरा सही, तो ये हो गया गर। राजी, गर फिर से लिख दिया। राजी, राजी फिर से हो गया ना? नहीं। बाजार, राजी फिर से हो गया। जीरा फिर से हो गया। रजा, ठीक है रजा होती है। गज होता है, हाथी होता है ना गज, हाँ। राजा दोबारा हो गया? राजा नहीं, राज, राग, गर, गर फिर से हो गया, और ये रग, रग हाँ चलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बहुत अच्छे। चलिए अब देखते हैं कि इस खेल के आखिर में किसको कितने अंक मिले। दक्षिण दिला की टीम है 220 अंक पर, दक्षिणी पश्चिमी जिला की टीम है 250 अंक पर,
और आज के विजेता हैं केंद्रीय जिला 270 अंक पर। आप लोग आइए, इन लोगों को टिकट मिलता है एक और खेल में आने का, और जहां पर ये फिर से खेलेंगे। लेकिन ये सिर्फ आज के विजेता नहीं है, आज के आप सब यहाँ के विजेता हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिंदगी की बाजी जीती है। तो आप आइए और मेरे साथ गाइए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ख को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ख ख को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।